इस कहानी की शुरुआत में हम श्वेता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही होती है और वो दोनों एक फ्लैट में रहते थे। श्वेता एक जॉब की तलाश में होती है क्योंकि इन दोनों को भी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसलिए एक दिन श्वेता एक बड़ी रोबोटिक्स कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। श्वेता काफी ज्यादा होनहार और इंटेलिजेंट लड़की थी, इसलिए कंपनी का डायरेक्टर उसे तुरंत जॉब दे देता है और अब श्वेता को फाइनल एक रोबोटिक्स कंपनी में जॉब मिल चुकी थी, जिस बात को लेकर वो काफी ज्यादा खुश थी। अब वो तुरंत कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है ताकि अपने बॉयफ्रेंड को ये खुशखबरी बता सके। श्वेता घर जब पहुंचती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक्सरसाइज कर रहा है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो एक फिटनेस ट्रेनर और इन्फ्लुएंसर भी है। श्वेता अपने बॉयफ्रेंड को अपनी जॉब के बारे में बताने वाली थी कि तभी उसे बाथरूम से किसी की वॉइस सुनाई देती है और थोड़ी देर में एक गर्ल बाथरूम से बाहर आती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। इससे वो बहुत दुखी होती है क्योंकि श्वेता अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो दोनों जल्दी शादी भी करने वाले थे। इसी वजह से श्वेता ने नौकरी करने का फैसला लिया था, लेकिन अब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, इसलिए श्वेता पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ये सब देखकर श्वेता कुछ नहीं कहती और पूरा दिन शांत बैठी रहती है। ये देखकर उसके बॉयफ्रेंड को कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो श्वेता के पास आकर कहता है कि तुम मुझे मारो या पीट भी दो, लेकिन प्लीज मुझसे बात करो, इस तरह से चुप मत रहो। अब इसके बावजूद भी श्वेता बिल्कुल भी उससे बात नहीं करती, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड ही खुद को मारने पीटने लगता है, यहाँ तक कि अपना सिर फ्रिज पर भी पटकने लगता है। असल में उसे अपने करतूत पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो किसी भी तरह से श्वेता से माफी मांगना चाहता था। अब यहाँ पर श्वेता का बॉयफ्रेंड गुस्से में आकर अपने जिम का डंबल उठाकर खिड़की से बाहर फेंकता है जो कि किसी कार के ऊपर जाकर गिरती है और उसके कार का नुकसान हो जाता है। अब इसके बाद उन दोनों को वो कार का मालिक घर से नीचे बुला लेता है ताकि वो दोनों उसके कार के नुकसान की भरपाई कर सके। लेकिन यहाँ पर श्वेता का बॉयफ्रेंड कहता है कि घर तो इसका है और मैं तो सिर्फ इसका फ्रेंड हूँ, इसीलिए आप इससे पैसे लो, और ऐसा कहते हैं श्वेता को वो बॉयफ्रेंड वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अपने बॉयफ्रेंड की हरकतें देखकर श्वेता को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फैसला करती है कि आज के बाद वो उसे कभी नहीं मिलेगी। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ श्वेता का उस रोबोटिक कंपनी में फर्स्ट डे था और वो अपनी नई जॉब को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। वो इस काम को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो अब अपने ब्रेकअप को भी भुला चुकी थी। अब यहाँ पर श्वेता अपने एक नए दोस्त से मिलती है जिसका नाम विट होता है, जो इस कंपनी में श्वेता का सीनियर था। इसीलिए वो श्वेता को अपने साथ ले जाकर उसे अपना काम समझाता है और कंपनी की जानकारी देता है। यहाँ पर विट श्वेता को उसके काम के बारे में समझाता है कि असल में उसे इंसानों जैसे दिखने वाले एंड्रो ह्यूमनाइड रोबोट को बॉक्स से बाहर निकालना, उन्हें एक टेबलेट से कनेक्ट करना है, उसके बाद उनसे उनकी आईडी भी पूछना है। ये काम खत्म होने पर उनके कान के पीछे लगे हुए एक कोड को स्कैन करके उन सबको एक सीक्रेट कमरे में भेजना होगा। यहाँ पर उन सभी रोबोट की अलग खूबियाँ थी और वो सब काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। असल में कंपनी लोगों को रोबोट बेचने का काम करती थी जो कि उनके सर्वेंट बन सके, और ये सभी रोबोट्स काफी ज्यादा स्किल्ड और इंटेलिजेंट थे। अब यहाँ पर श्वेता सबसे पहले एक बॉस को कॉल देती है जिसमें उसे एक मेल रोबोट दिखाई देता है। श्वेता उसके गले में लगे हुए वायर की मदद से टेबलेट कनेक्ट करती है और उसे अपना काम समझाती है। इसके बाद श्वेता दूसरा बॉस खोलती है जिसमें उसे एक फीमेल रोबोट दिखाई देती है। धीरे धीरे करके वो सभी रोबोट्स को चेक करती है और उन्हें अपना काम बता देती है, लेकिन जब आखिर में वो एक बॉस खोलती है तब उसे उसमें एक मेल रोबोट दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा अजीब था, जैसे कि उसमें इंसानों की तरह फीलिंग हो, और वो अपना पर्सनल कोड बताने से मना कर रहा था। वो रोबोट श्वेता से कहता है कि मैंने एक बहुत ही ज्यादा बुरा सपना देखा और मैं अभी तक डरा हुआ हूँ। श्वेता को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए अपने उसी दोस्त विट के पास वापस जाती है और उसे सारी प्रॉब्लम के बारे में बता देती है। अब विट तुरंत श्वेता के साथ मिलकर उस रोबोट को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर उन दोनों को पता चलता है कि उस रोबोट का नाम द फ्रेंड है। अब चेक करने पर विट को पता चलता है कि द फ्रेंड रोबोट में काफी ज्यादा खराबी है जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट अचानक रोने लगता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो श्वेता से कहता है कि ये सभी लोग मुझे तोड़ देंगे और फिर से वापस फैक्ट्री में भेज देंगे जहाँ पर उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन रोते रोते वो रोबोट श्वेता की खूबसूरती की काफी
काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था क्योंकि असल में वो एक फ्रेंड रोबोट था और उसे बनाया ही इसलिए गया था कि वो लोगों के साथ घुल मिल सके और उनका दोस्त बन सके। अब तभी वहाँ पर कंपनी का बॉस आ जाता है और उस रोबोट को चेक करने पर उसे भी पता चलता है कि उस रोबोट में काफी ज्यादा खराबी है। यहाँ पर कंपनी का बॉस वीर से कहता है कि तुरंत इस रोबोट को फिर से जापान भेज दो, लेकिन श्वेता कैसे भी करके उस रोबोट को बचाना चाहती थी, इसलिए वो कंपनी के बॉस को साइड में ले जाकर अपनी बातों में उलझाने लगती है और कहती है कि बॉस, हमें इस रोबोट को वापस भेजने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसे डिस्काउंट पर भेज देंगे जिससे कि हमें फायदा होगा। बॉस को श्वेता का यह आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और वो ठीक ऐसा ही करने के लिए कहता है, लेकिन बॉस श्वेता से ये भी कहता है कि जब तक ये रोबोट अच्छा डिस्काउंट में बेचा नहीं जाता तब तक ये उसी की जिम्मेदारी है कि इस रोबोट को फ्रेंडली तरीके से ट्रेन करेगी और उसे ठीक करेगी। अभी यहाँ पर उन सभी रोबोट्स को एक शोरूम में अरेंज किया जाता है ताकि कस्टमर आकर उन्हें देख सके और अपने पसंद से कोई भी रोबोट को खरीद सके। यहाँ पर श्वेता काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि असल में उन सभी रोबोट्स को कस्टमर को दिखाने का काम उसी का था और ये उसकी पहली जॉब थी, इसलिए वो किसी भी तरीके से ये काम ठीक से करना चाहती थी। अब यहाँ पर श्वेता उस फ्रेंड रोबोट से बातें करने लगती है और उसे अपने दिल की बातें बता देती है कि कैसे हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया, जिसे सुनकर वो फ्रेंड रोबोट श्वेता को खुश करने के लिए कहता है कि कोई पागल ही होगा जो तुम्हें छोड़ेगा और तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि वो तुम्हारे साथ रहने के लायक तक नहीं है। अभी यहाँ पर वो फ्रेंड रोबोट फिर से श्वेता की खूबसूरती की तारीफ करने लग जाता है, जिसे सुनकर श्वेता का दिल काफी अच्छा महसूस करने लगता है और वो फिर से अपनी सभी परेशानियां भूल जाती है। अभी सबके बाद वहाँ पर एक अमीर औरत आ जाती है जो कि सभी रोबोट्स को चेक करने लगती है क्योंकि असल में वो एक कस्टमर थी और उसे एक रोबोट को खरीदना था। जब वो औरत फ्रेंड रोबोट के पास आ जाती है तब शुरुआत में वो उसे खरीदने से बिल्कुल इनकार कर देती है, लेकिन बाद में जब वो फ्रेंड रोबोट उस अमीर औरत की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है तब वो तुरंत उसे खरीदने के लिए मान जाती है। यहाँ पर वो अमीर औरत तुरंत श्वेता से कहती है कि जल्दी से जल्दी इस रोबोट को पे करके मेरे घर भिजवा दो और अपना पेमेंट ले जाओ। हालांकि वो फ्रेंड रोबोट उस अमीर औरत की काफी झूठी तारीफ कर रहा था क्योंकि उसे प्रोग्राम ही इस तरीके से किया गया था कि वो किसी भी इंसान की सिर्फ तारीफ ही करे और उसके बारे में कुछ बुरा ना कहे। अब इसके बाद श्वेता फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है, लेकिन तभी वो फ्रेंड रोबोट उसके पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहता और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह बात सुनकर श्वेता को समझ आता है कि कहीं ना कहीं वो फ्रेंड रोबोट उसे पसंद करने लगा है और उसके अंदर धीरे धीरे इंसानों वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन यह बात जानकर भी श्वेता उसे बिल्कुल नहीं रोकती क्योंकि उसके बॉस ने उसे कहा होता है कि इस रोबोट को अच्छे से ट्रेन करें और इंसानों वाली फीलिंग्स लाना उस ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। कुछ ही समय में वो कंपनी अपने सभी रोबोट से एक शो भी करवाती है जिसकी वजह से उनके सारे रोबोट बिकना शुरू हो जाते हैं और सभी कस्टमर्स उन्हें खरीदने के लिए मुंह मांगी रकम देने लगते हैं। अब इस बात की वजह से कंपनी का बॉस काफी ज्यादा खुश था, इसीलिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो काफी ज्यादा शराब पी लेता है और उसे अपने होश का ठिकाना तक नहीं रहता। इस पार्टी के बाद वीर श्वेता और उसके बॉस को अपने कार में घर पर ड्रॉप करने के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो काफी ऊंची आवाज में रोमांटिक गाने गाने लगता है। इस बात से साफ साफ समझ आता है कि कहीं ना कहीं वो भी श्वेता को पसंद करने लगा था और उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब अगले दिन श्वेता फिर से तैयार होकर फिर से अपने ऑफिस पर निकल पड़ती है, तब वो देखती है कि फ्रेंड रोबोट अपनी जगह पर नहीं है। इसका मतलब वो समीर औरत के घर पर डिलीवर हो चुका है। अब यहाँ पर श्वेता को खुश होना चाहिए था क्योंकि उसका पहला सेल था, लेकिन इसके बावजूद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो फ्रेंड रोबोट उससे दूर चला जाए। श्वेता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है जिसके लिए वो एक अलग कोने में जाकर उस कॉल को उठा लेती है। तब पता चलता है कि उस फ्रेंड रोबोट ने उसे वीडियो कॉल किया है। यहाँ पर वो रोबोट कॉल पर श्वेता की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और उसे अपना प्यार बयान करने लगता है। ये सब सुनकर श्वेता काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहीं ना कहीं वो भी अब उस फ्रेंड रोबोट के प्यार में पड़ चुकी थी। श्वेता हर रोज उस अमीर औरत को फोन किया करती थी जिसने फ्रेंड रोबोट को खरीदा था और सर्विस चेकिंग के बहाने वो फ्रेंड रोबोट से घंटों तक बातें किया करती थी। एक दिन वो फ्रेंड रोबोट कॉल पर श्वेता को बताता है कि उसकी मालकिन काफी ज्यादा अजीब है और वो हर रोज उसे अजीबोगरीब कपड़े पहनाकर
अपना दिल बहलाया करती थी, यानी कि उस औरत के काफी ज्यादा अजीबोगरीब फैंटेसी थी। अब उसके बाद अगले दिन वो अमीर औरत उसी कंपनी में दोबारा आ जाती है और काफी ज्यादा हंगामा करने लग जाती है और सबको बताती है कि रोबोट खराब है और उसे अपने सारे पैसे वापस चाहिए। इस बात के जवाब में वो रोबोट सभी से कहता है कि औरत काफी ज्यादा अजीब है और मुझे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती, बल्कि मुझे अजीबोगरीब कपड़े पहनाकर मुझे अपने नौकर की तरह रखती है। कंपनी का बहुत सारा मामला संभालने के लिए उस औरत को यकीन दिलाता है कि जल्दी से जल्दी उसे अपने सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, जिसके बाद वो अमीर औरत वहाँ से चली जाती है। अब इन सब के बाद बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस फ्रेंड रोबोट को मारने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से कंपनी का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पर उस रोबोट को पीटते हुए देखकर श्वेता को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो कैसे भी करके अपने बॉस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉस उसकी एक नहीं सुनता। श्वेता तुरंत अपने बॉस से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, इस रोबोट को मैं खरीद लूंगी जिससे कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा। अब इसके बाद वो बॉस मान जाता है और श्वेता को तुरंत उस रोबोट को खरीदने के लिए कहता है। फिर इसके बाद श्वेता कैसे भी करके अपने माँ से और बाकी के दोस्तों से कुछ पैसे उधार मांग लेती है और साथ ही साथ बैंक से भी थोड़ा सा लोन लेकर वो रोबोट खरीद लेती है। इस सब के बाद श्वेता उस रोबोट को अपने घर लेकर आती है और वो दोनों रात के समय एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। असल में उस रोबोट से बातें करके श्वेता को काफी ज्यादा महसूस होता है और वही उसकी खुशी का एक जरिया था, इसीलिए उस रोबोट को अपने नजरों से बिल्कुल भी दूर नहीं होने देना चाहती थी। अगले दिन वो रोबोट श्वेता के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे तैयार करके ऑफिस भेज देता है। श्वेता उस रोबोट को इतना ज्यादा पसंद करने लगी थी कि ऑफिस में भी सारा दिन वो एक दूसरे से फोन पर चैट किया करते थे और स्लोली स्लोली वो दोनों भी एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। अब एक दिन श्वेता का एक्स बॉयफ्रेंड वापस उसके घर पर आ जाता है ताकि उसे फिर से माफी मांग सके, लेकिन वहाँ पर श्वेता उसे नहीं मिलती क्योंकि वो तो ऑफिस पर गई हुई थी। यहाँ पर उसे वो फ्रेंड रोबोट दिखाई देता है, जिसके बाद श्वेता का एक्स बॉयफ्रेंड उसे पूछता है कि तुम कौन हो। वो फ्रेंड रोबोट कहता है कि मैं श्वेता का नया दोस्त हूँ, जिसे सुनकर श्वेता का एक्स बॉयफ्रेंड गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो एक रोबोट से लड़ रहा था इसीलिए वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और बदले में रोबोट भी उसे एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से श्वेता का एक्स बॉयफ्रेंड वहीं पर गिर जाता है। अब कुछ समय बाद श्वेता का वो बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया पर लाइव आकर रोबोट को उसके साथ एक फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। अब ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी और श्वेता भी इस चीज को सोशल मीडिया पर देख लेती है, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर फाइट होने वाली थी और उस फ्रेंड रोबोट को ऑफ करके वापस घर पर लेकर आती है। श्वेता उस फ्रेंड रोबोट पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने उसे घर से बाहर जाने के लिए मना किया था, जिसके बावजूद भी वो घर से बाहर चला गया। वो रोबोट श्वेता से पूछता है कि क्या तुम अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पसंद करती हो, जिसके बाद श्वेता को समझ आता है कि फ्रेंड रोबोट उसे लेकर जलन महसूस कर रहा था और वो श्वेता को किसी भी दूसरे लड़के के साथ नहीं देख सकता, इसीलिए श्वेता का प्यार उसकी तरफ और भी बढ़ जाता है और उसे समझाने लगती है कि श्वेता अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब एक रात श्वेता की वो दोस्त उसे अपनी पार्टी में बुलाती है। असल में श्वेता की वही दोस्त थी जिसने उसे पैसे दिए थे, जिसकी वजह से श्वेता उस फ्रेंड रोबोट को खरीद पाई थी। यहाँ पर श्वेता की उस दोस्त को लग रहा था कि आज उसका फ्रेंड उसे शादी के लिए पूरी पार्टी में प्रपोज करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करता, जिसकी वजह से श्वेता की वो फ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अकेले रूम में आकर रोने लगती है। श्वेता को अपने दोस्त की ऐसी हालत बिल्कुल देखी नहीं जाती, इसीलिए उस फ्रेंड रोबोट को उसके साथ बैठाकर वहाँ से चली जाती है ताकि वो उसके दोस्त को समझा सके कि वो शादी के लिए क्यों मना कर रहा है। अब यहाँ पर उस पार्टी में हमें श्वेता का वो एक्स बॉयफ्रेंड भी दिखाया जाता है जो कि उसी का पीछा कर रहा था। वो वहाँ पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सबको उस पार्टी में हो रही चीजों को लाइव दिखा रहा था और वो श्वेता का पीछा करते करते उस लड़के तक पहुँच जाता है जिसने श्वेता की फ्रेंड को रिजेक्ट किया था।
था। श्वेता का एक्स बॉयफ्रेंड उन दोनों में होने वाली बातों को भी सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहा था, जहां पर वो लड़का श्वेता से कहता है कि वो लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्टेड है, इसीलिए उसने श्वेता की फ्रेंड को शादी के लिए रिजेक्ट किया। अब ये सब सुनकर श्वेता फिर से अपने उसी दोस्त के पास जाने लगती है ताकि उसे समझा सके, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद श्वेता देखती है कि उसकी दोस्त उसके रोबोट के साथ गलत हरकतें कर रही है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने दोस्त के साथ झगड़ने लगती है। श्वेता एक बोतल उठाकर अपने दोस्त को मारने लगती है, लेकिन तभी वो नीचे झुक जाती है और वो बोतल उसके रोबोट को लग जाती है, जिसकी वजह से उसका मुंह खुल चुका था। श्वेता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस रोबोट को कैसे ठीक करें, इसीलिए अपने ऑफिस के दोस्त विट को वहाँ पर बुलाती है और उससे मदद मांगती है। विट इस पार्टी में पहुँच जाता है और उस रोबोट को ठीक कर देता है, लेकिन उसका फेस डैमेज हो चुका था, इसीलिए विट को उस रोबोट का फेस मास्क बदलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अब काफी ज्यादा अलग दिख रहा था। श्वेता जब अपने रोबोट को देखती है तो उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाती और उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात से भी खुश थी कि फाइनली उसका फ्रेंड रोबोट सही सलामत है। अब अगले दिन जब श्वेता वापस ऑफिस पर पहुंचती है, तब उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि पिछले रात की पार्टी वाली वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें साफ साफ दिखाया जा रहा था कि कैसे श्वेता पूरी पार्टी में झगड़ रही है और उसके ऐसे बर्ताव की वजह से उनकी कंपनी का नाम खराब हो रहा था। यहाँ पर श्वेता की नौकरी चली जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे जॉब छोड़नी पड़ती है, क्योंकि अब उसका बॉस उसे बिल्कुल भी इस कंपनी में नहीं रखना चाहता था। लेकिन जाने से पहले श्वेता अपने रोबोट के लिए उसका पुराना चेहरा मांगती है, जिसके लिए उसका बॉस उसे मना कर देता है। हालांकि श्वेता कैसे भी करके वही पुराना चेहरा वापस लेना चाहती थी, इसीलिए वो विट की मदद लेती है और एक रात कंपनी के गोदाम में घुसकर चेक करने लगती है कि उसे अपने रोबोट का पुराना फेस मास्क मिल जाए। यहाँ पर उन दोनों को गोदाम में उनका बॉस दिखाई देता है, जो कि वहीं पर किसी अनजान लड़की के साथ सो रहा था, और जब विट को देखता है तब उसे भी जॉब से निकाल देता है। हालांकि यहां पर उनका बॉस श्वेता को अपने रोबोट का पुराना फेस मास्क ले जाने देता है, लेकिन अब श्वेता को विट के लिए भी काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही विट की भी जॉब चली गई थी। अब वापस लौटते समय जब वो कार में होते हैं, तब श्वेता विट से माफी मांगती है, लेकिन विट उसे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे दोबारा कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। हालांकि ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि विट श्वेता को काफी ज्यादा पसंद करता था, इसीलिए उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने फीलिंग्स को मन में ही दबा कर रखता है। अब घर पहुंचने पर श्वेता अपने रोबोट को उसका पुराना फेस मास्क लगा देती है, जिसकी वजह से वो फिर से पहले जैसा दिखाई देने लगता है, और उसे देखकर श्वेता काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ समय बाद वो दोनों मिलकर अपना एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं, जहां पर वो अपनी लव स्टोरी से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किया करते थे। सभी लोग उन्हें रोबोट और इंसानों की सबसे प्यारी जोड़ी मान रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। अब एक दिन वो फ्रेंड रोबोट श्वेता को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके जवाब में श्वेता उसे हाँ कर देती है, और फिर कुछ समय बाद वो लोग अपनी शादी की तैयारी करते हैं और एक जगह पर अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पर श्वेता अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश थी, और तभी श्वेता की एक फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को शादी के लिए मुबारकबाद देने लगती है, पर वो फ्रेंड रोबोट काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करने लगता है और श्वेता की उस दोस्त के साथ फ्लर्ट करने लगता है, यहाँ तक कि उसे अपना पर्सनल नंबर तक मांगने लगता है। यह सब देखकर श्वेता काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसे अपने शादी में काफी ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। असल में वो फ्रेंड रोबोट कुछ इस तरह से ही प्रोग्राम हुआ था कि किसी भी नए इंसान से अच्छे तरीके से बात किया करता था और खूबसूरत लड़कियों की तारीफ करके उनसे फ्लर्ट किया करता था। यहाँ पर श्वेता अपने घर पर पहुँच जाती है और काफी ज्यादा उदास नजर आ रही थी। हालांकि उसके पीछे पीछे वीट भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे समझाने लगता है कि इन सब चीजों में फ्रेंड रोबोट की कोई गलती नहीं है, असल में उसका प्रोग्राम ही कुछ इस तरह से सेट हुआ है कि वो सभी नए लोगों से फ्लर्टी अंदाज में बातें करता है। अब ये सुनकर उस फ्रेंड रिकॉर्ड को भी समझ आ चुका था कि श्वेता उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती, इसीलिए उसे खुद को ऑफ करने के लिए कहता है।
और वापस भेजने के लिए भी कहता है। श्वेता ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी क्योंकि इतने बड़े ब्रेकअप के बाद फ्रेंड रोबोट ने उसे समझा और उसे प्यार दिया और अब उसे ऑफ नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो करती भी तो क्या करती, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे उस फ्रेंड रोबोट को बंद करना पड़ता है ताकि उसका दिल आगे और ना दुखे। मूवी के एंडिंग में हमें 6 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब सुबह के वक्त श्वेता अपने बिस्तर से उठती है तब उसके किचन में वीट उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, यानी कि अब उन दोनों ने शादी कर ली थी और वो दोनों खुशी से अपनी लाइफ बिता रहे थे। लेकिन तभी अचानक उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जो कि असल में उसी फ्रेंड रोबोट ने भेजा था। जब श्वेता उस मैसेज को ओपन करके देखती है तब उसे पता चलता है कि असल में एक वीडियो है जिसमें वो फ्रेंड रोबोट उसे थैंक यू कह रहा है और उसे इतनी अच्छी यादें देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो फ्रेंड रोबोट श्वेता को खुश करने के लिए उस वीडियो में डांस भी कर रहा था और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।